आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हमारे पेज के अंदर कोई भी वाटर मार्क कैसे लगाते हैं। वाटर मार्क्स ये होता है कि कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के पीछे हम कोई भी टाइटल या हमारी संस्था का नाम या मोबाइल नंबर वगैरह ऐड के लिए हम दे सकते हैं। तो हम किसी पर भी क्लिक करेंगे, ये पहले से बने हुए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक हल्की सी इमेज आपको लिखी हुई नजर आएगी इस पे, जो आपके प्रिंट में भी नजर आएगी। अब इसमें पहले से लिखा हुआ है, अगर हम इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप कस्टम मार्क पे जाएं। यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर जो कॉन्फिडेंटियल लिखा हुआ है इसे आप मिटा दें। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मल्टीटेक कंप्यूटर्स, इसका अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है तो हम यहां से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे टाइम न्यू रोमन फॉन्ट को हमने सेलेक्ट किया। इसका अगर हमें कलर वगैरह बढ़ाना है या हॉरिजेंटल या डायगोनल्स करना है तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं और क्लोज कर देंगे। तो ये यहाँ पर हमें बैकग्राउंड इमेज में मल्टीटेक कंप्यूटर्स नजर आ जाएगा। अगर वाटर मार्क हम हटाना चाहते हैं तो इसे हम रिमूव वाटर मार्क से हटा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो पेज का कलर है अगर वो हमें चेंज करना है तो पेज कलर पे क्लिक करेंगे और किसी भी प्रकार का हम यहाँ से कलर दे सकते हैं। और दूसरी अगर आपको कलर लेने तो आप मोर कलर पे से भी जाकर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई किसी भी प्रकार का फिल इफेक्ट देना चाहते हैं तो फिल इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर किसी भी प्रकार का फिल इफेक्ट ले सकते हैं। ये टू कलर का कॉम्बिनेशन है, इन कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और डायगोनल्स रूप से या फ्रॉम कॉर्नर से। टू कलर के लिए टू कलर पे सिलेक्ट करेंगे और सेकंड कलर हम कर सकते हैं। प्रीसेट के अंदर हम अलग अलग ले सकते हैं, या तो तीन ऑप्शन है, वन कलर, टू कलर और प्रीसेट। प्रीसेट के अंदर हम अलग अलग स्टाइल्स को हम ओरिजिन वगैरह ले सकते हैं, नाइटफॉल वगैरह। और यदि हम इसको ओके करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। फिल इफेक्ट्स में और भी कमांड्स हैं, जैसे टेक्सचर्स, पहले से कोई भी डिजाइन बनी हुई हो हम उसको ले सकते हैं। इसके अलावा फिल इफेक्ट्स के अंदर पैटर्न्स है, पैटर्न्स के अंदर अलग अलग डिजाइन्स हैं, जैसे इस पे हेयर है, आउटलाइन डायमंड से इन्हें आप कलर्स आप यहाँ से इनका बदल सकते हैं, ओके कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिल इफेक्ट्स के अंदर कोई भी पिक्चर्स भी पिक्चर्स पे क्लिक करके सेलेक्ट पिक्चर्स पे जाके आप कोई भी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आपको फिल इफेक्ट्स हटाना है तो इसको नो कलर कर सकते हैं। पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर्स के अंदर हम बॉक्स पे क्लिक करें, लाइन की जो भी स्टाइल है डैश या डॉट डैश वाली वो ले सकते हैं। इस लाइनिंग का कलर हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, लाइनिंग की मोटाई हम चूज कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं तो वो बॉर्डर पेज बॉर्डर लग जाएगी। इसके अलावा आप अगर पेज बॉर्डर्स में कोई डिजाइन देना चाहते हैं तो वो डिजाइन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। पेज बॉर्डर्स में आप शेडिंग भी लगा सकते हैं। शेडिंग से पहले अगर आपको बॉर्डर हटानी है तो बॉर्डर हटा दें, शेडिंग्स पे क्लिक करें। शेडिंग्स पे क्लिक करके आप किसी भी प्रकार का
कलर चूज करें, फिर उसके बाद इसका परसेंट चूज करें, फिर इसके बाद आप कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसे ओके कर सकते हैं।